आज हम एक ऐसी कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि फनी होने के साथ साथ अनोखी भी है। ये कहानी है पांच सिस्टर्स के बारे में जो नहीं चाहते कि उनका भाई किसी लड़की के करीब जाए। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक क्यूट बॉय को जो एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। वो उसे प्रपोज करता है और मूवी टिकट्स भी देता है, पर छोटी लड़की चालाक होती है। वो उसे चूना लगा के और ठुकरा के मूवी टिकट्स लेके भाग निकलती है, जिसके बाद वो बॉय दुखी होता है। पर तभी वहाँ पे उसकी पांच सिस्टर्स आती हैं। मॉम डैड के डिवोर्स के बाद ये पाँच जो अपने भाई का ख्याल रख रहे थे। भाई का दिल टूटने के बाद सिस्टर्स डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी लड़की को अपने भाई के करीब आने नहीं देंगे। 15 साल बीत जाते हैं। ली चेंग बड़ा हो गया है, वो कैंपस में पढ़ रहा है। चलिए जानते हैं उसके पांच खूनी सिस्टर्स के बारे में। पहली सिस्टर की पर्सनैलिटी दबंग टाइप की है, घर में उसकी ही चलती है। दूसरी सिस्टर मिस्टीरियस टाइप की है, वो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स भी है। तीसरी सिस्टर एक स्मार्ट हैकर है जो 24 घंटे अपने भाई पे नज़र रखती है। चौथी सिस्टर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है जिसे तीर अंदाजी का बड़ा शौक है। गुस्से में आके वो किसी को भी तीर ठोक देती है। लास्ट सिस्टर थोड़ी जेंटल टाइप की है, उसे कुकिंग करना पसंद है। पांचों सिस्टर्स बचपन से ही अपने भाई को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। उनका मिशन है भाई को छोकरी से बचाना। एक दिन जब ली चेंग गर्ल्स ड्रेसिंग रूम में घुसता है तो मूवी की हीरोइन उसे पकड़ के खूब मारती है। जब ये बात उसकी पांचों सिस्टर्स को पता चलती है तो वो उसे उल्टा लटका देते हैं और पूछताछ शुरू करते हैं। बिग सिस्टर उससे कहती है कि हम सिर्फ उस लड़की को तुम्हारे लिए चूज करेंगे जो कि हमसे भी ज़्यादा खतरनाक हो, जिसमें हम जैसी क्वालिटीज हों। ली चेंग ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि मैं ऐसी लड़की को ढूंढ लाऊंगा ताकि तुम पांचों से मेरी जान छूट जाए। नेक्स्ट डे कैंपस में ली चेंग हैंड बैनर लिए चिल्ला चिल्ला के कहता है कि कोई है जो इस मजलूम को अपना बॉयफ्रेंड बनाए। काफ़ी कोशिश के बाद भी कोई उस पर तरस नहीं खाता। फ्रेंड उसे एक लड़की के बारे में बताता है और कहता है कि इस लड़की को फंसाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसके बाद फ्रेंड शाओजी से मिलके उसे झूठ बोलता है कि एक लड़का है जिसकी पांच सिस्टर्स हैं, खूनी टाइप की हैं, वो उसका ख्याल नहीं रखती और उसे हर वक्त टॉर्चर करती हैं। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ। शाओजी जब ली चेंग को देखती है तो फौरन से उसे ना कहती है। पर तभी ली चेंग सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, वो इंजर्ड होता है। शाओजी उसे हॉस्पिटल ले जाती है। जब ली चेंग होश में आता है तो वो उससे कहती है कि ये मुमकिन नहीं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं। इससे पहले कि वो कुछ कहता तभी वहीं पे सिस्टर्स की एंट्री होती है। वो शाओजी को धक्का दे के अपने भाई के पास पहुँचती हैं और उसे टॉर्चर करने लगती हैं। जब शाओजी उसकी हालत देखती है तो उसे यकीन आता है कि वाकई इसका फ्रेंड सही बोल रहा था, इसकी सिस्टर्स तो कातिल हैं। वो कहती है कि रुको, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये बात सुन के मरीज ली चेंग फौरन बेड से उठता है क्योंकि वो यही तो चाहता था। उसके बाद सब बहनें फिर से भाई को उल्टा लटका देती हैं। एक सिस्टर कहती है, मैं तो कहता हूँ इसके हाथ की नसें काट देते। दूसरी कहती है, इसे पंखे से लटका देते हैं। सब उसे वॉर्न करते हैं, डराते हैं ताकि उनका भाई प्यार के चक्कर में ना पड़े।
नेक्स्ट डे सिस्टर्स कैंपस में आती हैं ताकि उस लड़की को मजा चखाएं। एक सिस्टर तीर फायर करती हैं ताकि शाओ जी को लगे, पर ली चेंग उसे सेव करता है। उसके बाद एक दूसरी सिस्टर शाओ जी के पास अपने बहुत से बंदे भेजती है ताकि उसे परेशान करें, पर ली चेंग फिर से आके उसे बचाता है। दोनों भागते हैं। सिस्टर फिर से तीर फायर करने लगती है, पर इस बार हम देखते हैं कि कोई मिस्टीरियस पर्सन है जो नहीं चाहता कि शाओ जी को कुछ हो। उस पर्सन की वजह से उनका प्लान फेल होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर्स शाओ जी की पुरानी वीडियोस को हैक करके उसे इंटरनेट में पोस्ट करने की कोशिश करती हैं ताकि उसकी रेपुटेशन ख़राब हो। पर इससे पहले कि वो वीडियोस अपलोड करती, तभी उनके घर की लाइट चली जाती है। ये फिर से मिस्टीरियस पर्सन का काम होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सिस्टर जो कि डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स है, वो शाओ जी को चैलेंज करती है, पर मसला ये है कि वो चीटिंग करती है। बिग सिस्टर मैदान में कूदती है, वो बॉल को उठाती है ताकि उसे दूर फेंक सके, पर तभी शाओ जी को कुछ गलत लगता है। वो उससे बॉल छीनने की कोशिश करती है, फाइनली वो कामयाब होती है। वो बॉल को दूर फेंकती है, कुछ सेकंड्स बाद बम ब्लास्ट होता है। शाओ जी की वजह से ली चेंग की सिस्टर बच जाती है। फाइनली पांचों सिस्टर्स जान जाते हैं कि ये लड़की ब्रेव है और उनके ब्रदर के लिए सही है। वो ऑफिशियली उसे अपने भाई की गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट करते हैं। इजाज़त मिलते ही शाओ जी और ली चेंग साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। वो अपनी फीलिंग्स उसे बताता है, शाओ जी भी उसके प्यार को एक्सेप्ट करती है। मिस्टीरियस पर्सन जब उन दोनों को खुश देखता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो नहीं चाहता कि शाओ जी किसी और की हो। नेक्स्ट डे क्लास में सिस्टर ली चेंग को लंच बॉक्स देती है, लेकिन जब वो उसे ओपन करती है तो तभी ब्लास्ट होता है। शाओ जी भागते हुए वहीं आती है। ली चेंग बच तो जाता है, लेकिन शाओ जी डर जाती है। अब उसे लग रहा है कि ली चेंग के करीब होने से उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। वो वहां से जाने लगती है। ली चेंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती। उसके बाद हम देखते हैं कि एक ही क्लास में होने के बावजूद शाओ जी उसे इग्नोर करती है। ली चेंग दुखी रहने लगता है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एक रात जब तेज़ बारिश होती है तो शाओ जी को मुश्किल में देख ली चेंग आके उसकी हेल्प करने लगता है। वो उसे रेन कोट पहनाता है और उसे हग करता है, पर शाओ जी उस पर गुस्सा होती है। वो कहती है कि मेरी जिंदगी से चले जाओ, मैं तुम्हें अब लाइक नहीं करती हूं। उसकी बातें सुन के ली चेंग का दिल टूट जाता है। बारिश के बावजूद वो सारी रात ऐसे ही वहीं बैठे गुजारता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टीरियस पर्सन आके उसे किडनैप्ड करता है और अपने साथ ले जाता है। कुछ दिन बाद जब कैंपस में सब पार्टी करने में मसरूफ होते हैं तो तभी मिस्टीरियस पर्सन स्टेज पे आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस पर्सन ने 10 बार शाओ जी को प्रपोज किया था। ली चेंग बेचारा रॉकेट से बंधा हुआ है, मिस्टीरियस पर्सन उसे मारना चाहता है। एक सिस्टर रॉकेट पे तीर दे मारती है ताकि रस्सी की मदद से उसे खींच के बचा सके। काफ़ी कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं होता। शाओ जी रस्सी से लटकते हुए उसके पास जाने की कोशिश करती है ताकि उसे बचा पाए। चंद ही सेकंड्स बच गए हैं रॉकेट लॉन्च होने में, इसी वजह से ली चेंग तीर को सर की मदद से रॉकेट से अलग करता है ताकि शाओ जी की जान खतरे में ना पड़े।
वो आखिरी बार अपने प्यार को देखता है। रॉकेट लॉन्च होता है जो आसमान में जाके फट जाता है। सब रोने लगते हैं। कुछ दिन के बाद हम शाओ जी को कब्रिस्तान में देखते हैं। हमें लग रहा है कि वो ली चैंग के कब्र पे आई है, पर तभी ली चैंग वहीं आता है, मतलब कि वो जिंदा है। लगता है इस मूवी का डायरेक्टर उसे मारना नहीं चाहता था, भला कौन रॉकेट से फट के बचता है। बहरहाल दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट होती है, पर एक बात नहीं बदली, पांचों सिस्टर्स अभी तक उसके पीछे हैं। शाओ जी के उसकी जिंदगी में आने के बावजूद कुछ नहीं बदला, बेचारा पहले की तरह जलील हो रहा है। आप सबको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।